ये ब्रीफिंग बिजली सिप्ला का इनिशिएटिव है, सिप्ला ने अपना स्टार्ट किया। तो बिजली सिप्ला मिर्जा पे जो सांस की दवा बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया में, मिर्जा पे सबसे मेजर कंपनी है। 7% ओवरऑल देखा है, 2% बस इंडिया में 7% बच्चों में 14 साल के लिए। मेनली ये बीमारी बचपन बच्चों की ही है, बड़े हो गए बट ये कि बच्चों में बीमारी ज़्यादातर ठीक हो जाती है, होती है। सबसे बड़ी चीज है मेल में, हाँ लड़कों में ज़्यादा होती है, एज में फीमेल में ज़्यादा हो जाती है। तो मेन जो चीज़ देखी जाती है कि बच्चों में क्यों ज़्यादा होती है, उसमें ये आया है जैसे कि मेन अनुवांशिक जो कहते हैं जेनेटिक होती है। दूसरा फैक्टर जो अब निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर उनको ज़्यादा प्रोविज कर दिया था, मैं ये कहना हाइजीनिक चोरी कहलाती है, कि जिसको कहते हैं जितने जितने ज़्यादा हाइजीन है तो वो भी हाइजीन ज़्यादा होती है तो चांसेस होते हैं कि जो हाइजीन कम होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइजीन ज़्यादा अगर आप, आज हम लोग वर्ल्ड आस्मा डे मना रहे हैं, ये हर मई को पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका इनिशिएशन एक हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन बनी है जीना, ग्लोबल इनिशिएशन फॉर अस्थमा, उसने ये इनिशिएशन करके ये किया। मेन इसका पर्पस यही है कि पब्लिक में लोगों को दूर दूर तक पता चले अस्थमा क्या है, क्यों होता है, इसके क्या बचाव के तरीके हैं और इसके लिए क्या थेरेपी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम मिनिमम साइड इफेक्ट्स कर लें। ये हम लोग का पर्पस होता है इसका, आज वर्ल्ड अस्थमा डे मनाने का। इसमें हर साल हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, इस बार भी हम लोगों ने ओपीडी में जनरल पब्लिक के लिए वीडियो लगवा रखे थे जिससे कम से कम पता लगता रहे क्या होता है, किस तरह ट्रीटमेंट होता है, बच्चा कितना इम्प्रूव कर सकता है। हर साल हम लोग मरीज को सांस की जाँचें करते हैं, बिजली सांस की जाँच तो हमारे थ्रू आउट सबसे पहले तो जो कर रहे हैं धूल मिट्टी धुआं उनसे जाके ये एलर्जी करते हैं, एलर्जी करके इसकी वजह से सांस की नली में सूजन हो जाती है, सांस की नलियाँ सुखड़ जाती है, बस यही इसका एक रीज़न है। हाँ अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पराक्रम भी बहुत है, यहाँ ग्रास पाई जाती है, ये कैरेट ग्रास पार्थिनियम ग्रास, ये बहुत ज़्यादा इसके जितने भी पराक्रम है बहुत ज़्यादा एलर्जी करते हैं, तो अलीगढ़ के एरिया में बहुत ज़्यादा लड़की। सर बात करें उत्तर प्रदेश नहीं, गंदगी की से में कम होती है, गंदगी से प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे में इन्फेक्शन होता है तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो उससे दमे की बीमारी थोड़ा कम रहती है उन लोगों में, गाँव वालों में कम पाई जाती है, शहर में ज़्यादा। इस उम्र के लोगों ये सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। जेनेटिक एक से दूसरे को नहीं लगती है।